प्रत्यर्थी अनिल ने पुलिस थानापुर में 24/7/2018 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें उन्होंने बताया कि वो और उनके साथी उज्जैन महाकाल के दर्शन करके और जयपुर लौट रहे थे। इस दौरान रात्रि 12:30 बजे दुलवाड़ा पुलिया के पास पहुँचे और वहाँ पर एक स्विफ्ट गाड़ी आई और इनकी कार के आड़ी लगा दी और इनमें से हथियार लेस 4 एक्यूज अभियुक्त आए और इनको बंधक बना करके एक शमशान मकान पर ले गए। वहाँ इन लोगों ने इनसे 4,00,000 रुपये फिरौती की राशि मांगी और इन लोगों से सोने की चेन, अंगूठी और 37,000 रुपये नकदी और इनके आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया और एटीएम कार्ड से भी इन्होंने 60,000 रुपये इन चारों लोगों से छीन लिए। बाद अनुसंधान पुलिस थानापुर द्वारा अभियुक्त गजेंद्र जगवीर और जयप्रकाश संपद व कुणाल के विरुद्ध अपराध धारा 323, 394, 394A, 120B, 307 के तहत चार्जशीट पेश की गई। सेशन कोर्ट में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध सजा सुनाई गई, जिसमें अभियोजन द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध कुल गवाह 12 और 78 दस्तावेज पेश कर अपराध साबित करवाया। माननीय SC/ST न्यायालय ने उक्त धाराओं में जुर्म प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त गजेंद्र जगवीर जयप्रकाश संपत के विरुद्ध आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई और अभियुक्त कुणाल को अपराध धारा 386 व 114 के तहत IPC के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 20 साल की सजा सुनाई गई।